आमदीनगर हुडको के जागरूक नागरिकों द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 32 बंगला स्थित आईजी ऑफिस के सामने सार्वजनिक प्याऊ घर खोला गया। प्याऊ घर का शुभारंभ दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक बीएन मीणा ने विधिवत फीता काट कर किया। इस अवसर पर एमआईसी मेंबर व पार्षद सीजू एंथोनी, पूर्व पार्षद संजय दानी व भिलाई केटर्स एसोसिएशन का विशेष योगदान रहा। इस तपती गर्मी में प्यासे राहगीरों को प्यास की तृष्णा से राहत देने के उद्देश्य से हुडको आमदी नगर के जागरूक युवाओं ने हर साल की तरह इस साल भी 32 बंगले परिसर में प्याऊ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आईजी बीएन मीणा ने इस प्याऊ का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। साथ ही राहगीरों को पानी, ठंडा शरबत व मठा वितरित किया और युवाओं के इस प्रयास की प्रशंसा खुले दिल से आईजी मीणा ने की है। गर्मी के मौसम में पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है और निश्चित रूप से यहाँ पे जो ये हुडको के रहवासियों के द्वारा जो प्याऊ खोली गई है, ये एक अच्छा काम है और मैं इसकी सराहना करता हूँ, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं प्याऊ का संचालन कर रहे लोगों ने भी इसका उद्देश्य बताया। ये विगत 15 वर्षों से हमारे हुडको के सामाजिक संस्था है, सभी मिलकर यहाँ सबके सहयोग से प्याऊ घर हर गर्मी में लगाया जाता है। एक अच्छा कदम है, यहाँ लोगों को पानी, स्वच्छ पानी, ठंडा पानी हमेशा लोगों को मिलता है। क्या उद्देश्य लेके चलते हैं? ये उद्देश्य है कि सभी को पानी मिल जाए, पानी के लिए कोई तरसे नहीं और इस रोड में हमें ट्रैफिक भी रहता है तो स्टेम पॉइंट भी नहीं है पानी का, तो लोग आके चाय भी या रुकते हैं, पानी पी के जाते हैं। आज ये हुडको में 32 बंगले के सामने में प्याऊ का जो उद्घाटन हो रहा है, ये हुडको की संस्था द्वारा किया जा रहा है और ये विगत 10 वर्षों से संचालित किया जाता है और इसमें पेयजल जो है ठंडा और मठा वगैरह सब दिया जाता है, निःशुल्क रहता है और इसमें हुडको के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं इनका पूर्ण सहयोग रहता है और हम लोग भी इसमें समय समय पर सहयोग देते रहते हैं। जो हम लोगों से सहयोग बन सकता है हम लोग हमेशा आके देते रहते हैं और मैं अपनी तरफ से, अपने टेंट हाउस यूनियन की तरफ से, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये इसी तरह की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बबलू जी ये और उनके जितने साथीगण हैं यहाँ पे, हमारे जैनको वाले जैन जी भी हैं, ये लगभग 10 साल से हुडको में इस तरह से ये जो आने जाने राहगीर के जितने जो वो पानी पिलाने के लिए टेंट की व्यवस्थाएँ करते हैं, निश्चित रूप से पानी के साथ साथ ये और अन्य पेय पदार्थ जैसे मठा वठा की सारी व्यवस्थाएँ करते हैं। और मैं इनके इसके अलावा भी मैं देखा हूँ बबलू जी, हमारे जो बबलू हैं ये और भी समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं, आगे बढ़ बढ़ के करते हैं। इनके जितने साथी सहयोगी हैं ये सब उनमें उनका सहयोग रहता है। निश्चित रूप से आज इस इतने पुनीत कार्य को करने के लिए मैं इनको चाहता हूँ कि चाहे जितनी भी सामाजिक संस्था है या और अभी जो सेवा भाव से जो सामाजिक संगठन अपनी हमारे विलाई में है, इस प्रकार के सेवा भाव से सेवा करें और जिस प्रकार से हमें ये आवश्यकता है कि गर्मी को देखते हुए लोगों को इस तरह का सुविधा प्रदान करें, मैं उनकी और बबलू जी की, जैन जी की, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वर्षों में भी आपका सहयोग और इस तरह से बना रहे। ये सब हमारे मित्रों के सहयोग से हम लोग यहाँ सेवा देने के लिए आते हैं। विगत 10-12 सालों से हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं आईजी ऑफिस के सामने और ये सभी के सहयोग से सेवा भावना के साथ किया जाता है। इसमें कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कोई भी भेदभाव, बिना भेदभाव के, बिना किसी इसके, हम लोग यहाँ सब मिलकर सहयोग के साथ में इस प्याऊ घर का संचालन करते हैं और गर्मी के समय में यात्रियों को जो कि प्याने के लिए भटकते रहते हैं उनके यहाँ पानी और समय समय पर मट्ठा, जलजीरा, ठंडा पेय ऐसा सेवा देते हैं जिनसे उन लोगों को तृप्ति होती है और संतुष्टि होती है। बहरहाल इस भीषण गर्मी में प्यास से भटकते राहगीरों को राहत मिलेगी, युवाओं का ये प्रयास बेहद प्रशंसनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।